हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हुंडई वेन्यू के फ्यूज बॉक्स के बारे में। ये जो एक फ्यूज बॉक्स है, जो हुंडई वेन्यू का फ्यूज बॉक्स है, इसने हमने कवर खोल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप दोनों साइड से इसको लॉक को दबाकर इसके फ्यूज बॉक्स के कवर को खोल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसमें रिले लगे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ फ्यूजेस को दिया गया है। ये एक मेन कंपोनेंट होता है किसी भी गाड़ी के अंदर, जहाँ से पूरे इलेक्ट्रिक जो कनेक्शंस हैं वो जाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक्स गैजेट्स हैं वो ऑपरेट होते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आप जैसे देखते हैं कवर के अपर साइड में, जो ऊपर की तरफ से लोअर साइड में होता है, वहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा रिले और कौन सा फ्यूज किसके बारे में लगाया गया है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके द्वारा अगर आप कभी कभी बाई रोड के अंदर फंस जाते हैं तो आप इस फ्यूज बॉक्स के द्वारा आप देख सकते हैं कि अगर आपका मेन रिले काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका बैटरी काम नहीं कर रही है, या फिर आपका क्लच फैन काम नहीं कर रहा है, या फिर फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है, तो एनीथिंग जो भी ऑपरेट होने वाली चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा आप यहाँ से पता कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा फ्यूज ख़राब है या फिर मेरा रिले ख़राब है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। ये राइट साइड में, इंजन के राइट साइड में लगा होता है। तो यहाँ पर जैसे ये 40 नंबर रिले है जो हम दिखा रहे हैं, स्पेशली 40 नंबर रिले दिया गया है गाड़ी की हीटिंग की प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ऑपरेट करता है हमारे क्लच फैन को। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फैन के सामने भी 40 नंबर रिले। तो जो 40 नंबर रिले है वो दिया गया है गाड़ी के क्लच फैन के लिए। एक छोटा सा ये एक नमूना है जिसके अंदर आप देखेंगे जब भी आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो मेन से कारण होते हैं आपका कूलेंट और ऑयल। वो आपका ठीक है तो आपका ध्यान जाएगा सीधा क्लच फैन के ऊपर, क्योंकि ये इस टाइप का फ़ैन है जिसके अंदर कोई भी रोटेशन मैकेनिज्म नहीं दिया गया है। ना तो ये बेल्ट से घूमता है और ना ही ये किसी गियर से घूमता है। आप देख सकते हैं रेडिएटर के पीछे लगा हुआ है और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेके आपका घूमता है। तो शॉर्टली एक टोरबल सी चीज़ है कि अगर आप इस फैन के अंदर कनेक्शन नहीं देंगे और इसके अंदर लाइट ब्रेक हो जाएगी तो ये फ़ैन हमारा रुक जाएगा और गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसके कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं यहाँ से फ्यूज को खोल के, कहीं आपका फ्यूज ख़राब तो नहीं है। अगर वो ख़राब है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, अदरवाइज उसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपका एक इसका कनेक्शन होता है बीच में, जो कि जाता है वायर के थ्रू, जो कि यहाँ पर दिया गया है, उसको भी आप चेक करके देख सकते हैं शॉर्ट करके कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने आप से प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर क्लच फैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप सर्विस सेंटर से